दोस्तों, मैं सुधाकर चौरसिया एक बार फिर आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट फार्मूलों का डिस्कशन किया था, तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो ये मेरा चैनल है सक्सेस मंत्र है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसे पहले मेरा सवाल है, एक्स इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, इसका सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो वो मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें फार्मूला होगा एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। इसमें बस पावर में ए प्लस वन ऊपर जुड़ जाता है और नीचे एन प्लस वन लिख देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसकी पावर वन, इसमें पावर वन है, तो इसमें एक्स की पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन। देखिए, जैसे इसमें पावर एन था, एन में हमने वन जोड़ा, वैसे ही वन में वन जोड़ा अपान वन प्लस वन, तो हो जाएगा एक्स की पावर टू अपान टू, और इसमें कांस्टेंट जोड़ते हैं एक सी। ओके, यही आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस सेवन डी एक्स, तो इसको भी इसी तरह करते हैं। इसमें भी करेंगे एक्स की पावर माइनस सेवन प्लस वन अपान माइनस सेवन प्लस वन। जो फार्मूला है मेरा एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, इसमें एन है माइनस सेवन, उसमें प्लस वन जोड़ते हैं अपान प्लस वन जोड़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा एक्स की पावर सेवन में से प्लस वन घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स अपन, ये भी माइनस सिक्स, तो इसमें इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर माइनस सिक्स अपन सिक्स, और कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी। इसको और भी लिख सकते हैं सही तरीके से, माइनस वन अपन सिक्स इंटू वन अपन एक्स की पावर सिक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इंटीग्रेशन रूट एक्स का। रूट एक्स को सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। उसके बाद इसको वही सेम तरीके एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपान वन बाई टू प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, यहाँ टू वन जे टू प्लस वन, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू प्लस सी। ये टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये दिया है जो वन अपन एक्स का पिछली वीडियो में मैंने आपको फार्मूले में बताया था, वन अपन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा लॉग एक्स का, लॉग एक्स, और इसमें कांस्टेंट प्लस सी जोड़ देंगे। अब ये करना है वन अपन रूट एक्स का। वन अपन रूट एक्स को हम पहले लिखेंगे वन अपन एक्स की पावर, रूट जब भी आए तो उसको वन बाई टू लिख देंगे। उसके बाद वन इसको एक्स की पावर माइनस वन बाई टू को ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स डी एक्स डी एक्स। अब इसका फिर वैसे ही सेम प्रोसेस इसके जैसा हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसको कर देंगे एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपान माइनस वन बाई टू प्लस वन। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टू में से वन जाएगा, तो एक्स की पावर वन बाई टू अपान वन बाई टू, तो ये हो जाएगा, तो ये टू ऊपर चला, टू एक्स की पावर वन बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं टू रूट एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये करते हैं, इसको इसको सबसे पहले इसमें बांट देते हैं, इंटीग्रेशन सब में बांट देते हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर सिक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन का साइड सब में बांट देते हैं, ये हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन इसको इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर सिक्स का इंटीग्रेशन, अब आप लोगों को पता चले एक्स की पावर सिक्स का, इसमें भी एन प्लस वन जोड़ेंगे तो कितना आ जाए एक्स की पावर सेवन अपान सेवन प्लस वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और इसमें कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सातवा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको वन को हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले वन को इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वन को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान, नीचे ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको अलग अलग बांट देंगे इंटीग्रेशन का साइन लेकर, साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसमें कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
ये जो प्लस साइन था मैंने इसको इसके साथ बांट दिया, इसको इसको बांट दिया, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ बचा वन अपन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन अपन कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपन सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और इसमें प्लस सी कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कैसे करते हैं, आठवां क्वेश्चन भी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बांट देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया इंटीग्रेशन थ्री, इसमें थ्री कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स। इसमें कांस्टेंट है वन अपन फाइव, ये भी इंटीग्रेशन के साइन बाहर आ जाएगा और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा वन अपन एक्स डी एक्स प्लस इसमें इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। उसका नेक्स्ट थ्री ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स माइनस वन अपन फाइव, वैसे ही रहेगा। वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और इसमें कांस्टेंट प्लस सी जोड़ दीजिएगा, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आठवें क्लास से नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन सॉल्व। इसमें देखिए इसमें कांस्टेंट जो सी जोड़ते हैं उस सवाल में दिया, इसलिए इसमें कांस्टेंट हम लोग कुछ अलग जोड़ते हैं। जैसे इसमें सवाल में दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन बांट देते हैं। चलिए बांटते हैं, ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इसमें बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें सी तो वैसे ही बाहर आएगा वन का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स ई पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स ई पावर एन प्लस वन, एन या टू है, टू में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा थ्री अपान थ्री प्लस ये बी इसका पावर वन है, इसमें भी वन प्लस एक्स ई पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन करेंगे तो एक्स ई पावर टू अपान टू प्लस सी। वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और इसमें सी कांस्टेंट इस बार नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सवाल में सी दिया है, इसलिए हम अपने तरफ से इसमें कांस्टेंट के जोड़ते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। दसवां क्वेश्चन, सवाल में जब भी कभी टेन स्क्वायर एक्स आए, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, जब भी सवाल में टेन स्क्वायर एक्स आए तो उसके जगह पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको सबसे पहले इसमें डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन बांट देते हैं, ये बांटेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसमें उसके बाद वन इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और इसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। दसवां ग्यारह क्वेश्चन सॉल्व, इस सवाल को सबसे पहले देखिए, इसको देखने के बाद आपको लगेगा पहले क्या करना चाहिए, तो इस सवाल को सबसे पहले देखने से हमें कन्फ्यूजन होती है कि कैसे इसको करें, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो नीचे दिया है वन प्लस साइन एक्स दिया है उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करा देंगे। वन प्लस साइन दिया है साइन एक्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपान वन माइनस साइन एक्स, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराते हैं वन माइनस साइन एक्स अपान ये हो जाएगा वन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपान वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको बांट देते हैं, ये हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इसको बांट दे रहे हैं इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये यहाँ से फिर दिखाता हूँ इसमें इस पे, ये हो जाएगा वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लोग ऊपर ये कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको देखिए इसमें पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, यहाँ टू कॉस है तो इसको अलग अलग करके दिखा देता हूँ, वन अपान कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इसको ऐसे ही एक बार और नोट कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस,
ये हो जाएगा वन अपन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो इसको सबसे पहले मैं नोट कर ले रहा हूँ, सेक एक्स साइन अपन कॉस होता है टेन एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है टेन एक्स होता है, वैसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स होता है, और प्लस सी कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे ये आंसर हो जाए। चलिए एक बार इसको फिर समझा दे रहा हूँ। जब ये सवाल यह दिया है जैसे डी एक्स अपन वन प्लस साइन एक्स, सबसे पहले इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से साइन उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका इसमें गुणा करा दिए, ये वन माइनस साइन एक्स, ये दिया है ए प्लस बी, ये दिया है ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम जानते हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन बांट दिया सब में, ये हो गया वन अपन कॉस स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने वन अपन कॉस स्क्वायर को हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसको साइन एक्स अपन कॉस एक्स इसको अलग अलग करके लिख दिया। उसके बाद ये सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे नोट कर दिया, साइन अपन कॉस ये टेन होता है, वन अपन कॉस सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स है सेक एक्स प्लस सी। थैंक यू गाइज। अगर जी कोई मेरे वीडियो में आपको प्रॉब्लम लगे या कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।